गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने आप लोग को प्रिंट स्टेटमेंट, रैम स्टेटमेंट, लास्ट से लास्ट टाइम मैंने बताया था ये सब चीज़ें आप लोग को। एंड इसमें हम लोगों ने आपसे जो डिस्कशन किया था उसमें ये था कि प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है आपका, वो यूज़ किया जाता है आपकी आउटपुट स्क्रीन पर को डिस्प्ले कराने के लिए। आपकी जो आउटपुट होता है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इस कमांड का यूज़ होता है, इस कमांड का नेम है प्रिंट। इस कमांड का यूज़ डिफरेंट वेज में डिफरेंट आउटपुट्स को प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसकी जगह पे स्टूडेंट्स हम लोग और भी एक चीज़ प्रिंट करा सकते हैं, वो होती है क्वेश्चन मार्क। अगर हम लोग लगाते हैं तो जैसे ही आप इस सब के बाद क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद जैसे ही आप इसके बाद इंटर दबाएंगे, आपका जो स्टेटमेंट होगा वो आपका प्रिंट स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा। ये आपका एक शॉर्टकट होता है। अब देखते हैं रैम स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज़ एज टू यूज टू ऐड कमेंट्स टू प्रोग्राम। ये स्टेटमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपका कमेंट्स ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है प्रोग्राम्स में। रैम स्टैंड्स फॉर रिमार्क। किसी भी ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो भी आप कमांड, जो भी चीज़ें आप रैम में लगाते हैं, जो भी सेंटेंस आपने रैम में लिखे हुए हैं, वो कभी भी आपके मेन फंक्शंस में आउटपुट में नहीं दिखाए जाएंगे। हम लोग इसके लिए रैम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, या फिर इसकी प्लेस पर हम लोग सिंगल कोट मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू वांट टू ऐड कमेंट एट द एंड ऑफ अनदर स्टेटमेंट, यू हैव टू यूज़ सिंगल कोट। किसी भी एंड के स्टेटमेंट के एंड में अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हमें सिंगल कोट मार्क के अंदर चीज़ें लिखनी होगी। एंड देन जो आपका कंप्यूटर है वो रिकग्नाइज कर लेगा, वो समझ जाएगा कि ये रिमार्क है, इसको प्रिंट नहीं करना है। अब देखते हैं इफ़ देन। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज टू, जैसा इसका नाम है वैसा ही, इफ़ देन, अगर ऐसा है तो हम ये करेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सप्रेशंस को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। कैसे एक्सप्रेशंस को, दिस द प्रोग्राम विल परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन दीज एक्सप्रेशंस। ये आपके एक्सप्रेशंस मैं आपको अब अपनी आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, हल्का सा वेट कीजिए। तो अब आप स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे, इफ नंबर एन दिया हुआ है इफ देन में। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंट नंबर इज इक्वल्स टू एन, लेट दिया हुआ है वहाँ पे, इनपुट नंबर एन, ठीक है, इनपुट दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, नंबर की वैल्यू एन है। इफ एन इज इक्वल्स टू 50 से बड़ा है, 50 से छोटा है, देन प्रिंट यू विन। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेटमेंट लगेंगे। इफ और देन के बीच में आपको क्या करना होगा, इफ़ एंड देन के बीच में आप जिस भी वैल्यू को कंपेयर कराना चाहते हैं, अगर आपकी बुक में देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, इमेज में समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इमेज उतनी क्लियर नहीं है। आप अपनी बुक में देखिए, वहाँ पर जो भी चीज़ है, इफ़ और देन के बीच में उन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखा है स्मॉल सा, एन इज़ ग्रेटर देन और लेस देन। ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ग्रेटर देन पे यू विन हो, देन फिर देन के बाद आप प्रिंट कर दीजिए यू विन। अगर आप चाहते हैं 50 से बड़ा होगा तो आप हार जाओगे, तो देन प्रिंट यू लूज। सो ऐसे स्टूडेंट्स आपका यूज़ होता है इफ़ देन का। आप इसको अपनी कॉपी में कर सकते हैं, लिख लीजिए, क्योंकि आई नो अगर आपने इसको कंप्यूटर में नहीं वर्क किया तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम यहाँ पे फ़ोन से पढ़ा सकें, ऐसे स्टिल मैं पढ़ा रहा हूँ एंड आपको समझने की कोशिश करनी होगी। अब आइए देखते हैं, सपोज द स्टेटमेंट गिवेन इज फॉल्स, इफ देन एल्स। जैसे कि देखिए, अगर कोई स्टेटमेंट आपको दिया गया है एंड वो ये कहा जा रहा है कि आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, देन यू कैन यूज इफ देन एल्स स्टेटमेंट टू मेक प्रोग्राम परफॉर्म अ डिफरेंट एक्शन। इसमें यूज होगा स्टूडेंट्स, अगर आपका प्रोग्राम जो है ये इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट है तो प्रोग्राम जो होगा परफॉर्म करेगा एक डिफरेंट एक्शन, बिल्कुल ही अलग एक्शन को परफॉर्म करेगा। सो एग्जांपल देखते हैं नीचे, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर स्क्रीन दिया हुआ है, प्रिंट
सो स्टूडेंट्स देखिए, आप इसमें सबसे पहले दिया हुआ है क्लियर स्क्रीन, फिर दिया हुआ है प्रिंट, कैलकुलेट द सम ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 4, फिर दिया हुआ है इनपुट आंसर, फिर नीचे देखिए इफ आंसर इज इक्वल्स टू 9 देन प्रिंट यू आर करेक्ट, एल्स प्रिंट यू आर रॉन्ग। ये ऐसा तब है स्टूडेंट्स अगर आपको मनचाहा जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको अगर रिजल्ट नहीं दिया आपने उसको, या फिर रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका ये प्रोग्राम इफ देन एल्स में रॉन्ग चला जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका वीडियो, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफ देन एल्स इफ में डिस्कस करेंगे, ये एक और आपका कंपेयरिंग स्टेटमेंट है, नेक्स्ट टाइम हम इस पर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।